तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? इंडिया स्पोर्ट्स ब्यूरोज में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज जो हम वीडियो लेके आए हैं वो लेके आए हैं रिपेयरिंग के ऊपर। तो जितना क्रिकेट से रिलेटेड रिपेयरिंग का काम होता है वो इंडिया स्पोर्ट्स ब्यूरोज के थ्रू भी होता है। तो मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या रिपेयरिंग में आता है, क्या क्या हम रिपेयर आप लोगों को करा के दे सकते हैं। तो सबसे पहले जो क्रिकेट में मोस्ट कॉमन है वो होता है हैंडल रिपेयर। तो यहाँ पर आपको फुल केन हैंडल मिलेगा, कोई से बैट हो आपका, यहाँ पर हैंडल रिपेयर इजिली हो जाएगा। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए ये बैट आ गया हैंडल रिपेयर के, अभी कोई नहीं है, एक वीडियो में और डाल दूंगा जब रिपेयर होंगे। ये देखिए इनपे जो पहले कारीगर ने काम किया था पर अच्छे से प्रोफेशन से काम नहीं करा, ये देखिए हैंडल भी अच्छे वाले डाल रखा, पर अब जब इंडिया स्पोर्ट्स पे आया है तो इसका काम अच्छे से होगा। ये हमने यहाँ पे लिख भी रखा है ये हैंडल का काम होगा इस पे। तो हम आपको दिखाएंगे भी जब ये हैंडल रिपेयर होकर आ जाएंगे कि इस पे कैसा हैंडल रिपेयर हुआ है इंडिया स्पोर्ट्स के थ्रू। और सेकंड दिखाता हूँ रिपेयरिंग में क्या काम आता है, वो होता है अगर आपका बैट हैवी है और आप चाहते हैं उसका थोड़ा सा वेट कम हो जाए तो वो वाला काम भी होता है। ये देखिए ये बैट हैवी है काफी, जिस प्लेयर का है उसको हैवी फील होता है तो हम उसको बैलेंस में बना के देंगे, इसका वेट रिडक्शन होगा, कम से कम 50-70 ग्राम इस बैट का वेट कम होगा। तो काफी बैलेंस में उस भाई को हम बना के देंगे, इतनी हमारी श्योरिटी है क्योंकि वो हमसे काम पहले भी करवा चुके हैं। तो इस बैट को भी मैं आपको दिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। और इस बैट का भी वजन कम होने वाला है 70-80 ग्राम, ये कोई भाई बैट लेके आया रिपेयरिंग के लिए, और इसमें बैट वेट रिडक्शन होगा। अभी करंट वेट इसका देखिए 1328 ग्राम है और उसने 100 ग्राम बताया, अराउंड 100 ग्राम हो जाए तो हम कोशिश करेंगे कि विद इन 100 ग्राम के आसपास इसका अच्छा बैलेंस भी रहे और वेट भी इसका कम हो जाए। तो ये बैट है कश्मीरी विलो बैट है भाई का। और रिपेयरिंग में क्या आता है, रिपेयरिंग में जैसे टो गार्ड भी आता है और आपका बैंड आता है, कोई बैंड को थ्रेडिंग भी बोलता है, कोई गटिंग भी बोलता है, कोई बेंडिंग मतलब ये बोलते हैं, ये देखो गट भी बोलता है कि भैया गट चढ़ा दो। ये देखिए ये देखिए ये कितनी प्रोफेशनल तरीके से हमने इस पे बेंडिंग करी हुई है, हम इसको बैंड भी बोलते हैं, गटिंग भी बोलते हैं, थ्रेडिंग भी बोलते हैं। तो ये तीन वर्ड है जो इंडिया में बोले जाते हैं। ये देखिए ऊपर हैंडल पे हुई है, तो ये काम भी होता है हमारे इंडिया स्पोर्ट्स पे। और मैं आपको बताता हूँ, ये देखिए जैसे बैट आ रखा है, ये सर का देखिए ये ना टो से देखिए कैसे हो गया, देखिए डैमेज सा हो गया है। अब जब ये रिपेयर होगा ना मैं आपको दिखाऊंगा वीडियो में कि हमने कैसे रिपेयर करा है। अगर लॉन्ग वीडियो में हम ना दिखा पाए तो भाई शॉर्ट वीडियो में हम जरूर दिखाऊंगा। कई बार क्या होता है बैट रिपेयरिंग हो जाता है तो भाई लोग फटाफट ले जाते हैं, पर हम कोशिश करेंगे कि एक लॉन्ग वीडियो बना जाए रिपेयरिंग जब होके आएंगी ये चीजें और आपको अच्छे से दिखाया जाए। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो शॉर्ट वीडियो में जरूर आने वाले हैं। अगर नहीं कर रखा दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ही करिए, हमारा वेयर हाउस है ये, हमारा वेयर हाउस दिल्ली रोहिणी सेक्टर 1 में है, तो आप यहाँ पर आ सकते हैं। अगर आप दूर दराज इलाकों में रहते हैं तो भाई आप हमें कुरियर भी कर सकते हैं, अगर आपके वहां पे कोई सुविधा नहीं है और वहां पे अच्छे से काम नहीं होता तो भाई हमारा एड्रेस गिवन है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप हमें कुरियर के थ्रू पहुंचा सकते हैं और हम आपको सेफली डिलीवर कर देंगे यहाँ से जब बैट रिपेयर हो जाएगा, चाहे आपका कैसा भी रिपेयरिंग का काम हो। काफी एक्सपीरियंस बंदे काम करते हैं जिनको भाई 25-30 साल का एक्सपीरियंस है इस लाइन में, वो भी बैट रिपेयरिंग में सिर्फ, तो उन्हीं से हमारा काम होता है ये। और क्या रहेगा, जैसे ये देखिए इस बैट का भी हैंडल चेंज होगा, ये देखिए कितना डैमेज है, ये देखिए क्या जुगाड़ से समझ नहीं आया कैसे हत्ती लगाई है इसकी हैंडल लगाई, ये देखिए कितना बाहर निकल रहा है, आउट निकल रहा है, इस पे भी हैंडल का काम होगा, हैंडल लिख रखा है। देखिए यहाँ पर पता नहीं एरल्डाइट लगा के कैसे पेस्टिंग करी है। जब ये हमारा काम होगा ना फिर देखना, अभी आप वीडियो देख लीजिए फिर हम आपको उसमें दिखाएंगे कि कैसा काम करा हमने। और रिपेयरिंग में आते हैं ग्लव्स, ये देखिए हमने ग्लव्स भी रख लिया। बैटिंग ग्लव्स में क्या रिपेयर होगा, देखिए बैटिंग ग्लव्स में जो सबसे पहले खराब होता है वो होता है पाम, इसका पाम खराब होता है, ये देखिए कितना सड़ा गला पाम है, देखिए कितना डैमेज हो रखा है, अब इसका पूरा पाम चेंज हो जाएगा बिल्कुल, आप कह नहीं सकते कि कितना मतलब एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम हुआ होगा इस पे, और न्यू हो जाएगा मतलब ऊपर से तो थोड़ा पुराना ही दिखेगा पर इसमें प्रोटेक्शन अच्छी है, अभी भी ये ग्लव चल सकता है और आगे अगर इसका पाम अच्छी तरीके से चेंज कर दिया जाए तो। तो ये था रिपेयरिंग का जो मतलब क्रिकेटर्स को लगता है कि हमारा बैट डैमेज है, खराब हो चुका है। एक चीज और बताता हूँ रिपेयरिंग में क्या आती है, मैं आपको जैसे मैं आप ये देखिए जैसे ये बल्ला है, जिन भाइयों के इंग्लिश विलो बैट पुराने जाते हैं, चाहे वो इंग्लिश विलो चाहे वो कश्मीरी विलो,
जिन भाइयों के बैट पुराने हो जाते हैं, तो क्या होता है भाई, एक टाइम बाद ना आके चिप्स बाहर आती हैं, चिप्स बाहर आ गई, चिप्स यहां से निकल गई, या यहां से एज टूट गया, एज निकल गया, कुछ भी, टो टूट गया, टो भी कई बार क्रैक हो जाता है, बड़े बड़े क्रैक्स आ जाते हैं। तो वो सारा काम भाई इंडिया स्पोर्ट्स आप लोगों को करके देगा, वो भी काफी अच्छे तरीके से। तो ये थी आज की वीडियो इन्फॉर्मेशन के ऊपर कि भाई इंडिया स्पोर्ट्स पे रिपेयरिंग का काम भी अवेलेबल है रीजनेबल रेट पे, कोई ज्यादा रेट्स नहीं है। दिए नंबर पे आप इंक्वायरी कर सकते हो। मेट्रो स्टेशन से हमारा वेयर हाउस सिर्फ 5 मिनट्स का बैटरी रिक्शा है, और नीरेस्ट मेट्रो स्टेशन का नाम है रोहिणी वेस्ट। और बाकी आप लोकेशन ट्रैक करके आना चाहते हैं तो गूगल पे भी आप हमें फाइंड आउट कर सकते हैं इंडिया स्पोर्ट्स रोहिणी के नाम से। बहुत बहुत शुक्रिया, टेक केयर, बाय बाय।